पहले कितने लोग काम कर रहे हो सीपीए पे? रिकॉर्ड करें, मैं कौन सा रोक रहा हूँ? जितने मरतबा मर्जी रिकॉर्ड करो। गुड, चलो बे मैं पढ़ा दूंगा, अलिफ नहीं आता तो। मुझे यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, चलो स्टार्ट करता हूँ। अभी स्टॉप इट, यहाँ पे स्टॉप कर दो। बेसिकली आज का हमारा ये पहला लेक्चर है, ठीक है। तो पहले लेक्चर में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे एज पर आवर फाइव मॉड्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाई एंड व्हाट सीपीए, सीपीए क्या है और सीपीए क्यों बेस्ट है। बेसिकली सीपीए के बारे में आप लोगों ने पहले सुना होगा, सीपीए स्टैंड फॉर और कॉस्ट पर एक्शन, ठीक है। सीपीए में बेसिकली होता क्या है, सीपीए में डिफरेंट तरह के विंडोज, अगर आप भी अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट नेटवर्क देते हो, तो वहां पे आप पर लीड के या पर सेल के आप लोग पे करते हो वहां पे। सो आप यार अब मैसेज स्टॉप कर दो, मेरा ध्यान यहाँ पे चला जाता है। आवाज ओके है यार? सो व्हाट इज सीपी, रिपीट कर देता हूँ। सीपीए स्टैंड फॉर कॉस्ट पर एक्शन। अगर आप कोई ऑफर प्रमोट करने जा रहे हो, इसमें डिफरेंट तरह की ऑफर्स होती हैं, एक होती है पर सेल की, एक होती है पर लीड। लीड और सेल दोनों सेम ही चीज है, लेकिन कुछ ऑफर्स इसमें ऐसे होते हैं जिसमें ईमेल सबमिशन, जिप सबमिशन या फिर सर्विस वगैरह होते हैं, वो कम्प्लीट करने पर आपको पे किया जाता है या फिर आपको सेल करने पर पे किया जाता है। एफिलिएट और इसमें एफिलिएट मार्केटिंग और सीपीए में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ इस बात का डिफरेंस है कि वहां पर एफिलिएट मार्केटिंग में सिर्फ आपको सेल पर ही पे किया जाता है और इसमें भी सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें जो थोड़ी चेंजेस है वो ईमेल सबमिशन और इस तरह की है। आप एक ऑफर कंप्लीट करवाते हो तो आपको किया जाता है। सो व्हाई इज बेस्ट, एफिलिएट से ही बेहतर है और बेहतर इस तरह है। फॉर एग्जांपल आप वहां पे एफिलिएट में प्रोडक्ट सेल करने जाते हो तो प्रोडक्ट सेल करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, शॉर्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर आप सीपीए में कोई ईमेल सबमिशन की या फिर जिप सबमिशन या फिर इस तरह की जॉब सर्विस वगैरह कंप्लीट करवाते हो, वो शॉर्ट होते हैं, उनमें आपके कस्टमर को पे नहीं करना पड़ता, तो उन आपका जो कस्टमर होगा उसके कंप्लीट करने पर आपको पे कर दिया जाएगा। दैट फॉर इज बेस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन सीपीए एंड एफिलिएट। सो मैं आपको दो नेटवर्क्स का बताऊंगा यहाँ पर,
जो गुड है आप अपनी मर्जी से और भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको रेफरल लिंक दूंगा एफिलिएट एड्स का और बताऊंगा किस तरह से अप्लाई करते हैं। ये ले ले, ये यूआरएल कॉपी कर ले आप। हाँ ये बाद में लेता हूँ, ये यूआरएल कॉपी कर ले आप। तो यहाँ पे आपने नेम लिखना है, नेम आप कोई भी लिख सकते हैं। कंपनी नेम आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, या फिर ठीक है। और यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दें, और यहाँ से आप कंट्री पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान से, अगर इंडिया से तो इंडिया, अगर जिस कंट्री से भी आप यहाँ पे अपना कंट्री चूज करें, ठीक है। पाकिस्तान से है, यहाँ पे रीजन जो है आपका पंजाब आएगा, या आप सिंध से हैं, जहाँ से भी हैं आपको यहाँ पे अपना रीजन लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको अपना कोड देना पड़ेगा, नीचे मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा जिसपे अपने अकाउंट प्रूफ करवाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पे आपको अपना नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और यहाँ पे आपको टाइटल, टाइटल मुराद आप मिस्टर और मिसेस, ठीक है, मिस्टर मिसेस और मिस, यहाँ पे आपको टाइटल में ये डालना। जी बिल्कुल, सब कुछ ओरिजिनल डालना, सब कुछ ओरिजिनल। Have you involved in, यहाँ पे 1, 2, 3 years लिखने या फिर 1 year लिखने, that doesn't matter. How you will be promote products using PPC, आपने PPC कर देना है। अगर other ways हैं तो आपने वो लिख देने हैं, like Facebook traffic, Instagram traffic, Twitter traffic, यहाँ पे आप लोग से लिख सकते हैं। I am also using Facebook traffic and other social media traffic. So यहाँ पे आता है URL. URL आपने क्या करना है, आपने किसी नीच पे काम करने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप नीच पे काम करने जा रहे हो, नीचे आपकी हेल्थ, या फिर आप पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, यानी आप एडवर्ड या फिर बिंग या फिर फेसबुक एड्स जो यूज करते हैं उस पे आप पर क्लिक का पे करते हैं, देन आपकी साइट पे विजिटर्स आते हैं। सो यहाँ पे आप यूआरएल, साइट यूआरएल, साइट यूआरएल में आपने क्या डालना है, आप लोगों ने एक चैनल क्रिएट कर लेना अपना यूट्यूब का, वो यहाँ पे डाल लेना, नहीं तो आप एक डमी साइट क्रिएट कर ले। डमी साइट एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक दैट, इस तरह की आप एक साइट तैयार कर लें, एक साइट, एक दो आर्टिकल डाल लें साइट पर, और कॉन्टेक्ट अस अबाउट अस टर्म्स का बना ले, वो सेम ऐसी साइट तैयार कर लें, चाहे ये कॉपी कर लेना, यूआरएल तो शो हो ही गया। तो आप इस जैसी एक साइट बनाए, सारे ना कर लेना, थोड़ा सा चेंजिंग भी कर लेना। तो यहाँ पे आप साइट यहाँ पे डाल देना अपना, हु रेफर यू, यहाँ पे मेरा नाम लिख देना, ठीक है। यहाँ पे स्काइप, और यहाँ से अपना स्काइप नंबर आईडी दे देना, और यहाँ से SSN आपने इस साइड पे चले जाना है स्क्रीन पे, और यहाँ से आपने SSN जनरेटर पे जाना है, और यहाँ से आपने इस SSN को कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आपने SSN में डाल देना है बस। और यहाँ से दोनों पे चेकआउट करके साइन अप करेंगे तो आपका ये अकाउंट अप्रूव हो जाएगा विद इन 48 to 72 hours, ठीक है। सो ये था एक नेटवर्क।
या इसकी समय लग गई होगी कैसे अप्लाई करना है, अब तो सबके अप्रूव हो जाना चाहिए, 100 बैठे तो 100 का ही हो जाना चाहिए। सो उसके बाद आ जाता है मैक्स बाउंड, ये लें इसका रेफर यूआरएल, ये रेफर यूआरएल डाल लें, ये साइट है एसएसएल वाली, ये भी ले लें। ये कंट्री पाकिस्तानी सिलेक्ट करना है, अगर आपको कंट्री कोई और है तो आप अपनी मर्जी से और कंट्री रख सकते हैं। उसके बाद आता है मैक्स बाउंड, आप जब ये रेफर यूआरएल ओपन करेंगे देन यू गो ऑन एफिलिएट, और यहाँ पे ज्वाइन मैक्स बाउंड ना हो, आप में से पहले लोगों के अप्रूव भी हुए होंगे। यहाँ पे बेसिक योर नेम, यहाँ पे आपने अपना नेम दे देना है, ओरिजिनल देना है, बिल्कुल ओरिजिनल, ठीक है। अगर यहाँ पे कंपनी नेम, कंपनी नेम में कुछ भी दे दे, जैसे कि वहां पे हमने दिया, यहाँ पे हेल्थ को लिख दें, पासवर्ड यहाँ से नेक्स्ट कर देना आपने। उसके बाद आ जाते सिक्योरिटी क्वेश्चंस, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर ग्रेट टीचर। ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं कि आप लोगों सिक्योरिटी रीजंस के लिए होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर आपका कोई हैक करने की कोशिश करता है दूसरे आईपी वगैरह से, वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपके ओपन करते हैं। आप ईमेल भूल जाते हैं जिसपे बना हुआ, लेकिन आपको इसकी ईमेल का पासवर्ड नहीं याद, उसका इसका पासवर्ड भी नहीं याद, तो फिर आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस और ईमेल अगर याद है तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। सो यहाँ पे वेयर इन बोम सिटी, ठीक है, यहाँ से आप कोई भी दो क्वेश्चन चूज कर लेना जो आपको बेस्ट लगे। उसके बाद आ जाते रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी ईमेल डालनी है और यहाँ से री ईमेल, और यहाँ से आप लोगों ने अपना ओरिजिनल नंबर डालना है, फेक नहीं डालना, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना ओरिजिनल नंबर डालेंगे तो आपका यहाँ पे आप लोगों ने ओरिजिनल नंबर डाला। यहाँ पे आ जाता है टाइम जोन, टाइम जोन में आप लोगों ने यहाँ पे नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा, तो अगर आप इंडिया से हैं तो आपने जीएमटी चेन्नई कोलकाता वाला सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तानी था ये रहा इस्लामाबाद, फाइव में प्लस फाइव में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कराची इस्लामाबाद, आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। यू कैन बी रीच्ड, आप किस टाइम पे कॉल रिसीव, जो वो कॉल करते हैं आप किस टाइम में कॉल जो है सुनना पसंद करेंगे, अर्ली मॉर्निंग लेट ये वो, जो भी आप लिखेंगे जिस टाइम आप फ्री होंगे आपको उसी टाइम कॉल की जाएगी। सो इवनिंग, मैं इवनिंग में फ्री होता हूँ तो मैं इवनिंग ही करूंगा, आप लोगों का जो है वो आप लोगों ने वही करना। यहाँ पे आपने अपनी स्काइप आईडी डालनी है। सो वेयर हेयर, यहाँ पे आप लोगों ने फ्रेंड लिख देना, ठीक है, क्योंकि आप रेफरल यूआरएल से ज्वाइन कर रहे हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे फ्रेंड लिख देना है। यहाँ से नेक्स्ट कर दे, यहाँ से स्ट्रीट एड्रेस जो भी आपका, आपने वो डिटेल दे देनी है। पाकिस्तान की देना, किसी और कंट्री की ना डाल देना, ओरिजिनल देना, पाकिस्तान की देना। सो यहाँ से नेक्स्ट, सो मेन काम यहाँ पे आता है आप लोगों का। आप लोगों ने यहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना आई एम ए कम्प्लीट बिगिनर, अगर आपका एक्सपीरियंस है अपने पहले कहीं से किया हुआ है मतलब कि पहले किसी नेटवर्क पे काम किया वहां से पेमेंट लिया तो देन यू कैन सेलेक्ट दिस वन, नहीं तो ओनली आई एम ए बिगिनर। सो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है योर पास्ट एक्सपीरियंस इन एफिलिएट मार्केटिंग, तो यहाँ पे आपने अगर बिगिनर है तो आपने यहाँ पे साफ साफ लिख देना है
I am totally new in CPA. Before CPA, I am doing affiliate marketing with Amazon, ClickBank, or CG. ठीक है, इस तरह आपने यहाँ पे डिटेल डिस्क्राइब कर देनी बिजनेस के रिलेटेड, और बिल्कुल ट्रू लिखना, फेक डिटेल ना यहाँ पे डालना। अगर आप यहाँ पे फेक डिटेल डालते हैं तो वो आपको कभी कभार वो ट्रेस भी करते हैं कि वाकई ये बंदा वहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। सो हियर यू पुट योर रियल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आ जाते हैं आप, हाउ डू यू इंटेंड टू प्रमोट ऑफर्स। यहाँ पे इसका मतलब है कि आप ऑफर्स को प्रमोट किस तरह करोगे, आप ऑफर्स को प्रमोट किस तरह करने जा रहे हो। सो यूज हियर यूजिंग तो आप लोग यूट्यूब एड्स के थ्रू करने जा रहे हो, यूजिंग यूट्यूब एड्स। ठीक है, सो इस तरह यहाँ पे आप और भी लिख सकते हैं डिटेल में। ओ तो यहाँ भी आपने लिख देना व्हाट्स ऑफर यू आर लुकिंग फॉर। तो मैंने आपको ये साइट दिखाई थी, ये हेल्थ के रिलेटेड है, तो आप लोगों ने हेल्थ के रिलेटेड को इस तरह की साफ सी साइट बनानी है, बिल्कुल साफ सी। यहाँ पे देखें ऐसी साफ सी साइट हेल्थ के रिलेटेड बना लेनी है और यहाँ से कॉपी कर लेना है। सॉरी, फर्स्ट ऑफ यहाँ पे आपने हेल्थ लिखना है, हेल्थ एंड यहाँ पे आपने अपना वेबसाइट का यूआरएल देना जो आप लोगों ने बनाई थी एफिलिएट एड्स के लिए और इसके लिए, दोनों में सेम ही साइट देनी है। तो यहाँ पे आ जाता है इंसेंटिव ट्रैफिक। बेसिकली इंसेंटिव ट्रैफिक होता है कि किसी को लालच देकर लाना ऑफर कंप्लीट करने के लिए, लालच दे के लाना। जैसे कैश ऑफ क्लैम्स पे काफी ऑफर्स आती हैं, या फिर आप किसी को दिखाते कुछ और देते कुछ, ये चीज यहाँ पे ये चीज आती है इंसेंटिव ट्रैफिक में। तो अगर आप इंसेंटिव ट्रैफिक तो हमारी है नहीं, यूट्यूब एड्स वाली है, तो आप लोगों ने नो कर देना है। सो यहाँ पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है, यहाँ से ओके और यहाँ से फिनिश। सो ये आपके एप्लीकेशन अंडर रिव्यूज चली जाएगी, ठीक है। सो आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी और ईमेल रिसीव होने के बाद आप इस नेटवर्क का भी आपका अकाउंट अप्रूव, अगर किस्मत में हुआ, ये नहीं कि डिग्रेड कर रहा हूँ, बाजू का मेरा भी रिजेक्ट होता है, आपके भी रिजेक्ट होंगे, अगर हुआ तो रिट्राई, लेकिन इसका कंफर्म है कि आपका इसका 100% अप्रूव हो जाएगा, इसका टोटली कंफर्म है। रेफरल लिंक का यूज करने का फायदा ये होगा कि मैक्स बाउंड्री पे आप जिसके रेफरल के थ्रू आ रहे हैं उसका बैकग्राउंड देखा जाएगा कि जिसके रेफरल से आया है वो बंदा क्या काम कर रहा है। सो दैट्स माय रेफरल लिंक। सो उस हिसाब से अगर वो ये चीज देखेंगे कि ये किसके रेफरल के थ्रू आया, तो आप लोगों का अकाउंट कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा।
सो ये था मैक्स बाउंड्री और एफिलिएट एड्स का अप्रूव करवाने के मेथड। यहाँ पे हमारे दो टॉपिक हो गए, सीपीए क्या होता है ये भी आपको समझा दिया, और यहाँ पे हाउ टू गेट एक्सेप्टेड नीड इनसाइड सीपीए नेटवर्क्स, तो सीपीए नेटवर्क्स क्या का जो है वो बता दिया मैंने, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हमारी जो कल होगी, कल को वहां पे मैं आपको बताऊंगा नीच कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए और ऑफर्स कैसे सिलेक्ट होनी चाहिए, और ट्रैफिक हम जो देने जा रहे हैं वो ट्रैफिक कौन सी है, कल को इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेम टाइम जी बिल्कुल यही होगी। सो उसके बाद हम ये जब रीड कर लेंगे, मैं आपका यूट्यूब अकाउंट सेटअप करवाऊंगा और उस पर एक वीडियो अपलोड करवाऊंगा आपके ऑफर के रिलेटेड, आपको अपलोड करके दिखाऊंगा, और उस वीडियो वाले अकाउंट को यूट्यूब को मैं एडवर्ड के साथ कनेक्ट करूंगा, और फिर एडवर्ड के थ्रू स्किपेबल एड्स जो होती हैं, स्किपेबल एड्स जो होती है ना, स्किपेबल एड वीडियोस पे आ रही होती हैं वो कैसे लगाते हैं वो बताऊंगा, और जस्ट लाइव स्ट्रीमिंग के दरमियान हमें जरूरत नहीं है सब्सक्राइबर्स की, यहाँ पे कोई वॉच आवर नहीं हमें चाहिए, हम क्योंकि पे करके प्रमोट करने जा रहे हैं वीडियोस को। सो यूट्यूब एड्स जो मैं बता रहा था, स्किपेबल एड्स हम दिखाएंगे, और स्किपेबल एड्स के बाद डिस्प्ले एड्स जो शायद पे राइट हैंड पे शो रही होती हैं वीडियोस के, वो वाली कैसे लगाते हैं और किन चैनल्स पे लगानी है आपने, आपके ऑफर्स के रिलेटेड जो चैनल्स अच्छे हैं उन पे कैसे लगानी है, और आपके अपना लैंडिंग पेज कैसे बिल्ड करना है और उसको सेटअप कैसे करना है जो कि आपको लॉस ना दे। इन स्ट्रीम एड्स का पता है आपको, लाइव स्ट्रीमिंग जो यूट्यूब पे चलती है उसके दरमियान अगर आपकी कैटेगरी के रिलेटेड है तो उन पे एड्स कैसे लगाने हैं, और वीडियो डिस्कवर एड्स होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं वेट लूस सर्च करता हूँ तो वेट लूस जब मैं सर्च करूंगा तो मुझे देरों वीडियो शो हो जाती है लाइक डैट, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वेट लॉस अगर कोई सर्च करता है तो, अगर मैं वेट लॉस की प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ तो यहाँ पे सबसे टॉप पे मेरी एड शो, इन वीडियो से ऊपर मेरी एड शो हो, ये वीडियोस नीचे शो और इसके ऊपर मेरी एड शो, वो वाली होती है डिस्कवर एड जो कि आपके कीवर्ड को सर्च करते हुए आप तक पहुंचा है, और यहाँ पे इन सब एसईओ वालों के ऊपर आपकी एड शो हो। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टारगेटिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं और कीवर्ड सर्च किस तरह की जाती है एड्स के लिए। सो दैट्स मेन एंड दैट्स आवर कोर्स पार्ट, अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। बजट $50 वो करवा लेंगे अप्रूव। उसकी टेंशन नहीं लेनी, में हो जाएंगे। नेम ओरिजिनल और फेक SSN, SSN doesn't matter यार, कैश नेटवर्क बच्चों के लिए नहीं है भाई, आराम आराम से। डोमेन और होस्टिंग नहीं है तो यहाँ पे चले जाओ। फ्रीडम, यहाँ से फ्री डोमेन मिल जाती है, और यहाँ से .net यहाँ से आपको फ्री होस्टिंग मिल जाएगी, इस यहाँ से डोमेन लो, होस्टिंग के साथ कनेक्ट करो और साइट बिल्ड करो। फ्री में साइट बिल्ड करो, एडवर्ड पे मैं बताऊंगा HPL लग जाता है, UBL लाइट लग जाता है, और पेनियर लग जाता है, सिल्क कभी यूज नहीं किया, जो यूज किया वो भी बताऊंगा।
लैंडिंग पेज दिखा दूंगा जब क्लास होगी तो दिखाऊंगा ना। कौन कौन से नेटवर्क में हमेशा रियल डाटा, जो जो नेटवर्क ज्वाइन करते जाओ और रियल डाटा डालते जाओ। Around a bit. समरी ये थी कि सीपीए क्या होता है और इन नेटवर्क्स पे अकाउंट किस तरह प्रो कर है विद रेफरल लिंक। आपको रेफरल लिंक दोनों के दे दिए हैं। नहीं, जब दोबारा बनाना है अपने सेल नंबर चेंज करना है और दूसरा अपने की हिस्ट्री मैक एड्रेस ईटीसी सब चेंज करना है। आपने साइट अच्छी नहीं ना प्रोवाइड की होगी उन्हें। यार वीडियो डाली हुई है ग्रुप में, यहाँ पे जाओ वीडियोस में और यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे थी, यहाँ पे वीडियोस डाली हुई है मैंने। यहाँ पे ये रही, ये वीडियो रही, ये देख लेना, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा क्लिक बैंक का भी। रीकैप, बेसिक सीपीए के बारे में बताया और नेटवर्क किस तरह, जो दो नेटवर्क प्रो कैसे दोबारा उनके रेफरल लिंक और प्लस डिटेल का डालनी सब कुछ बताया। ये YouTube पे लिखे हैं ना, हाउ टू क्रिएट फ्री साइट, हाउ टू क्रिएट फ्री डोमेन, हाउ टू क्रिएट साइट विद फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से क्रिएट कर लीजिएगा। यार वो रिफंड ना हुई उससे कुछ और काम कर लेंगे, आई हैव बेटर आइडियाज। भाई मेरे मैंने बनाई तो है, आपको लाइव करके दिखाया है सब कुछ, रेफरल लिंक प्रोवाइड कर चुका हूँ, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। HTML CSS pages better, अगर वर्डप्रेस यूज करना है एलिमेंटर यूज करें। टाइटल में आप क्या है, ही है शी है या फिर थर्ड पर्सन है, तो अपने वहां पे वो देना है। सो so that's it। जी बिल्कुल, प्रोवाइड करूंगा आपको एवरीथिंग, लैंडिंग पेजेस भी प्रोवाइड कर दूंगा, सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, डू नॉट वरी। अट्रैक्टिव बने बनाए दूंगा आपको, सिर्फ आपने एडिट करना होगा, एडिट करना भी बता दूंगा। सो लेक्चर अच्छा लग, 94 है तो 94 के 4 यहाँ पे रिव्यू दे अबाउट टुडे लेक्चर, वो मैं सब कुछ बनाना सिखाऊंगा, ये तो स्टार्टिंग की है अभी। सो लेट्स का अच्छा है, काफी अच्छा, मेरे से भी अच्छा है। यहाँ पे दे, मुझे ना दे, यहाँ पे ग्रुप में दे आप व्हाट यू लर्न देयर। यहाँ पे 93 है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजा आएगा, नीच सिलेक्शन में और ऑफर सिलेक्शन में। जी बिल्कुल, ये वीडियो आएगा, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, दे दूंगा, ये मैंने खत्म कर देना 4 दिन में।
ज्यादा से ज्यादा 4 दिन बस। और भी वो है नहीं, 1 मिनट रह गया मीटिंग खत्म होने में, तो यहाँ पे देखते हैं कितने लोग जो रिव्यू देंगे उनको मैं एंड पे गिफ्ट भी दूंगा अपनी तरफ से जब ये खत्म होगा, यानी कि जब ये कोर्स एंड होगा। तो जिस स्टूडेंट, लालच नहीं, ये प्यार होता है, ये लालच नहीं है। आपको बताओ, लालच से देता ही नहीं हूँ, देंगे तब भी ठीक, ना देंगे आई एम नो इशू। आज स्टार्ट हो गई है, आज पहला लेक्चर सा हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर कल सेम टाइम। वीडियो मिल जाएगी यार, ठीक है, देखते हैं फिर रिव्यूज का। ओके, अल्लाह हाफिज।